हाँ जी, जय श्री राम दोस्तों। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डी फिट ब्लॉग्स। दोस्तों, उठ चुका हूँ मैं टाइम पे आज और ऑलमोस्ट टाइम से पहले ही तैयार हो चुका हूँ जिम के लिए। प्री वर्कआउट मील भी ले लिए, बस जिम चलते हैं और आपको आज का वर्कआउट दिखाते हैं। आज मैं आपको शो करने वाला हूँ प्रॉपर मेरा बैक और वर्कआउट, जो कि पहले से बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो देखिए और एंजॉय करिए, चलते हैं दोस्तों जिम और करते हैं आज के दिन की शुरुआत। चलिए ले ली जिम के अंदर। भाई बहुत टाइम बाद एक्टिवा चलाई है। ऑलमोस्ट मेरा एक्सीडेंट हुआ था एक साल या डेढ़ साल पहले एक्टिवा से, उसके बाद मैंने आज एक्टिवा चलाई है। भाई एक्टिवा चलाने में बहुत डर लगता है यार। एक्चुअली में क्या है भाई, मेरी जो बुलेट थी ना वो तो काफ़ी ज़्यादा सर्विस मांग रही थी। मैंने वो लास्ट 2 महीने या फिर 1.5 महीने से सर्विस मांग रही थी, तो मैंने उसकी सर्विस कराई नहीं क्योंकि मेरे को आता है जोर तो क्या, मेरे को टाइम ही नहीं मिलता है बिल्कुल यार। जिम रहता है, वर्कआउट रहता है, 3 घंटे का वर्कआउट रहता है, फिर मील, फिर कॉलेज जाना होता है बीच बीच में, तो इतना एग्जॉस्ट होता ना भाई, इसकी हद नहीं है। और क्या लिटरली जिम के अलावा मैं सिर्फ कॉलेज ही जाता हूँ, वो भी कॉलेज भी ऑल्टरनेट डे जा रहा हूँ, वरना मैं कहीं नहीं जाता क्योंकि मेरी बॉडी इतनी टायर्ड रहती है ना वर्कआउट के बाद, जिसकी हद नहीं है। लेकिन मील वील भी टाइम पे लेनी होती है। तो कल फाइनली मैंने अपनी बुलेट सर्विस पर डाली है, वो भी इसलिए डाली क्योंकि 4 बार मैं कल बचा हूँ एक्सीडेंट से, और जो 4 बार बचा हूँ ना, अगर उसमें से एक भी हो जाता ना तो शायद मैं आज यहाँ खड़ा नहीं होता। क्योंकि गाइस सबसे पहले तो उस गाड़ी में था, आगे के ब्रेक वायर टूटा हुआ था, तो आगे का ब्रेक लगता नहीं था, क्लच बन चुका था आगे का ब्रेक, तो वो मैं लास्ट 1 महीने से चला रहा था। फिर वो नीचे का ब्रेक ज़्यादा यूज़ करने से क्या, पीछे के डिस्क पैड जो होते हैं उसके अंदर वो भी घिस गए, तो वो भी लगना बंद हो गए थे। फिर भी मैं 10 या 15 दिन से वो चला रहा था, दोनों ब्रेक ही नहीं थे गाड़ी के अंदर, गियर से कंट्रोल कर रहा था। तो कल फाइनली मैं जब लेके गया अपनी बाइक, तो उनका जो फुरकान भी है, जो उनका जो सर्विस करते मेरी गाड़ी की, उनका एक्सप्रेशन देखने लायक थे कि भाई साहब चला के सर्वे गाड़ी। तो मेरी गाड़ी को लगेंगे 3 दिन, मतलब कल दी थी मैंने, तो आज के दिन भी लगेगा, तो कल शाम को भी लगेगी मेरे को मेरी गाड़ी। तो कल आपको गाड़ी दिखाएंगे, अभी आपको चलते हैं वर्कआउट दिखाते हैं अपना बैक वाइस का। उससे पहले जब ये चेंज वेंज करना है मेरे को, मैं कर लेता हूँ, मिलते हैं आपको जिम के अंदर। ये देख लो भाई, ऐसे मिलेगा ये वर्कआउट ड्रिंक, तो
हाँ जी गाइस, तो हो चुका था हमारा वर्कआउट ख़त्म। गाइस मैंने आज इस वीडियो में सिर्फ बैक का ही वर्कआउट दिखाया है, बाइसेप का वर्कआउट दिखाने की मेरी हिम्मत भी नहीं थी और कोई था भी नहीं वीडियो बनाने के लिए। तो ऐसा ही होता है कि मेरा वर्कआउट ऑलमोस्ट 3-4 घंटे का हो जाता है, क्योंकि डबल पार्ट होते हैं और डबल पार्ट वाले दिन जिस दिन कार्डियो होता है उस दिन तो भैया नेक्स्ट लेवल चीज़ हो जाती है। और मेरे को हफ्ते में 3 दिन अपनी काफ ट्रेन करनी होती है, क्योंकि मेरी काफ जेनेटिकली वीक है, तो उसके लिए मेरे को मेहनत करनी पड़ती है। तो आज भैया बैक, बाइसेप, बाइसेप के बाद काफ, काफ के बाद मैंने कार्डियो करता हूँ 30 या 45 मिनट्स का। तो जब तक मेरी बैक एक्सरसाइज हुई ना, जब तक तो लड़के थे जिम में तो उनसे मैंने वीडियो बनवा ली। और बाइसेप के टाइम पे सिर्फ भैया ही थे और भैया को ज़्यादा डिस्टर्ब, वर्कआउट के टाइम पे डिस्टर्ब बिल्कुल पसंद नहीं है भाई। तो भैया से सिर्फ एक बाइसेप की एक्सरसाइज की वीडियो बनाई है मैंने, क्योंकि बाद में भैया डांट लग जाते हैं, तो उस चक्कर में मैंने बाइसेप का वर्कआउट कवर नहीं किया इसमें। तो इसमें सिर्फ बैक का वर्कआउट कवर किया है, बाइसेप का वर्कआउट मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में एड ऑन कर दूँ। तो गाइस इसके लिए बने रहे हमारे साथ। तो गाइस यही चीज़ें देखो, मेरा रूटीन इसमें निकल जाता है। अब देखो मेरे को ब्लॉगिंग में इसीलिए ही टाइम नहीं मिल पा रहा कि मैं कब ब्लॉग करूँ कब नहीं करूँ, क्योंकि गाइस देखो सुबह निकला था मैं 8:30 अराउंड निकला था मैं घर से, अभी बज रहे हैं 2, ठीक है। मैं आ गया था घर पे अराउंड 1:30 बजे घर पे आया था, नहाया धोया, अभी बस मेरी मील आ रही है, मील का थोड़ा प्रिपेयर हो रही है मेरी, वो मील आ रही है, वो खाऊंगा, सोऊंगा, सो के उठने के बाद मेरी एक और मील का टाइम हो जाएगा, वो लूँगा, फिर पूरा दिन इसमें निकल जाता है, कहीं जाता भी नहीं हूँ मैं शाम को इस चक्कर में, क्योंकि मील मिस ना हो जाए। तो भाई इस चक्कर में मैं थोड़ा हेक्टिक स्केड्यूल चल रहा है मेरा, बस कोशिश कर रहा हूँ कि रूटीन में आ जाए, जैसे ही रूटीन में आता है मैं ब्लॉगिंग डेली बेसिस पे स्टार्ट करूँगा। तो गाइस इसी के साथ ये वीडियो यहीं एंड करते हैं, और जो इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इस हफ्ते मेरी फिटनेस सीरीज़ जो 2.0 जो है वो आ रही है, क्योंकि लास्ट टाइम जो वर्कआउट था वो कम्प्लीटली स्केड्यूल चेंज हो चुका है सब चीज़ों के अंदर, क्योंकि पहले था बैक और शोल्डर, लेग्स, बाइसेप, चेस्ट के साथ ट्राइसेप, तो इस बार चेस्ट के साथ ट्राइसेप है ही, वो तो एज़ यूजुअल, बैक के साथ बाइसेप हो चुकी है, और लेग्स सिर्फ एक ही पार्ट होता है एक दिन में, लेग्स और शोल्डर भी एक ही पार्ट होता है, बस उसके बाद कार्डियो एड ऑन हो चुका है। तो गाइस बने रहिए हमारे साथ, आपको वीडियो देखने को मिलेगा, और मेरी डाइट भी बिल्कुल चेंज हो चुकी है, तो वो डाइट के ऊपर भी वीडियो आने वाली है, पूरे दिन की मेरी डाइट क्या रहती है, क्या प्रोटीन सोर्स रहता है उसके अंदर, कितने ग्राम प्रोटीन रहता है, क्या रहता है, एक्स वाई जेड जो भी आपके क्वेश्चंस है। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मेरे को DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, डेट इज़ @iamdipendra TWPENDRA। तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, फिर यूट्यूब कमेंट्स के थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपकी सारी चीज़ों का आंसर दे दूँगा मोस्ट प्रोबेबली। और बाकी जो भी मेरा भाई कंपटीशन खेलने वाला है या कुछ भी चीज़ आपको बॉडी बिल्डिंग के थ्रू जाननी है तो वो मेरी वीडियोस देख सकता है भाई, फिटनेस के लिए भी देख सकता है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं एंड करते हैं, एंड गाइस रिमेंबर बे फिट प्रिटी फिट, थैंक यू वेरी मच।